आपको देख के काफी अच्छा लग रहा है, आप कुछ कहना चाहोगे? जी मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि 22 साल के बाद में मुझे पालकी सर ने वापस बड़े पर्दे पे पेश किया है। एंड आई थिंक ये 2021 मेरे लिए बहुत ही कमाल की का एक साल था, क्योंकि बॉम्बे बेगम्स थैंक्स टू अलंकृता श्रीवास्तव और उसके बाद मैं चुप। राजू श्रीवास्तव जी आज हमारे बीच नहीं रहे जी, बहुत बड़ा लॉस है जी। आप कुछ कहना चाहोगे मैम? बहुत बड़ा लॉस है। कोई ऐसी यादें जो आप शेयर करना चाहोगे? जी अनफॉर्चुनेटली नहीं है साथ में, मैं नहीं जानती थी उनको, मगर पर्सनली नहीं जानती थी, मगर ऑब्वियसली उनका काम हमारे इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा जी। हम चुप के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं पूजा मैम? मैं हम एक प्रॉब्लम क्या है कि हम एक साउंड बाइट सोसाइटी बन गए हैं, और फिल्म के बीच में आप किसी के लॉस के बारे में बात करेंगे तो ये ज्यादती हो गई उनके साथ में। हाँ तो उसके बारे में अलग से बात करनी चाहिए ना। वेल मैं अगर चुप की बात करूँ मैम, तो यू नो एक डायलॉग है आपका जो बहुत ही रिलेट करता है आपसे, जो रियलिटी की फिल्म इंडस्ट्री के रियलिटी की बात की गई है जी। वेल व्हाट डू यू वांट टू से रिगार्डिंग? कौन सा डायलॉग? जो रियलिटी आपने बोला है कि लोग यू नो जो एक्सप्रेस जो सोचते हैं वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, विच इज द क्रिटिक्स के बारे में बेसिकली, तो उसके बारे में क्या कहना? आई थिंक द फिल्म हैज सेड इट ऑल। आई थिंक के बालकी सर ने चुप के थ्रू हम सबको एक आईना दिखाया है, और आई थिंक क्रिटिसिज्म या अपनी राय देना बहुत आसान काम है, मगर जैसे डायलॉग है इसमें कि फाइनली एक आर्टिस्ट का जो दर्द होता है वो सबसे बड़ा फ्यूल होता है, तो हमारी फेलियर्स हमारी जब भी हम जलील होते हैं वो हमें एक्चुअली बनाता है, एंड आई थिंक ये फिल्म वही कह रहा है। इम्पोर्टेंट है लाइफ में एज एन एक्टर, थैंक यू सो मच। आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है, आप कुछ कहना चाहोगे? जी मैं तो 22 साल के बाद आपके पास वापस आई हूँ, तो आई गेस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं। थैंक यू सो मच।